हाय स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पहले चैप्टर का, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। तो हमने पिछले क्लास में देखा कि जो प्लांट्स होते हैं इनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है, ये अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ये अपना फूड कैसे बनाता है। तो उस टॉपिक को जो हम आज पढ़ेंगे उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है ये एक्चुअली है फूड मेकिंग प्रोसेस। प्लांट्स में जो एक प्रोसेस होता है जिसे वो अपना फूड बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस किसको हम कहेंगे, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी कि ये जो प्लांट्स है ये अपना फूड खुद बनाते हैं, ये सिंपल सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इनके लिए अब क्या जरूरत होना चाहिए, अब सनलाइट और क्लोरोफिल होना चाहिए, तो ये मिलकर एक साथ फिर फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को, इस निजाम को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसी के मतलब यही फोटोसिंथेसिस जो होता है इसी से ये अपना फूड बनाते हैं। क्योंकि अगर हम इसके रिएक्शन देखेंगे कि किस तरह बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ये मिक्स होता है और वाटर एक साथ मिक्स होते हैं, सनलाइट जरूरी होती है और क्लोरोफिल, तो फिर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो अब सवाल है कि ये प्लांट्स जो है ये कहां से न्यूट्रंट्स लाते हैं, या हम कहेंगे ये कहां से ये रॉ मेटीरियल लाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये कहां से लाते हैं। ये हम सबको पता है जो लीव्स होते हैं इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्यों, क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। और इन्हीं जो ये लीव्स होते हैं इन्हीं में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम सिटोमेटा कहते हैं। ये सिटोमेटा क्या होते हैं, ये स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल पोर्स होते हैं जहां से ये लीफ जो होता है या लीव्स जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वो ऑक्सीजन जो यहां पर बाद में फिर निकलता है, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम एयर, हवा में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है 0.03%, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यही स्मॉल जो होते हैं पोर्स इनको हम स्टोमेटा कहते हैं, इन्हीं से ये हासिल करता है। ये जो स्टोमेटा होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनमें ये किडनी शेप्ड, ये बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, इनको हम गॉड सेल्स कहते हैं। ये गॉड सेल्स इसको प्रोटेक्ट करते हैं और ये इस तरह एक पोर जैसा बनता है। इसके जो ये वाले सेल्स हैं इनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं या एसेसरी सेल्स भी कहते हैं। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेते हैं। अब है वाटर, वाटर कहां से लेते हैं, आपको पता है जो प्लांट होता है वाटर एब्जॉर्ब करता है थ्रू रूट्स, क्योंकि जो रूट्स होते हैं सॉइल में होते हैं और वाटर सॉइल में ही प्रेजेंट होता है। तो रूट्स क्या करते हैं, वो इस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इसको लीव्स तक पहुंचाते हैं थ्रू स्मॉल ट्यूब्स, वहां पर ट्यूब्स होते हैं मानो कि जिस तरह पाइपलाइन होती है, इसी तरह से रूट से लेकर फिर सिस्टम से लेकर फिर ब्रांच में या फिर लीव्स में वहां तक एक ट्यूब, एक चैनल, एक पाइप जैसा सिस्टम होता है जिसको हम जैलम कहते हैं और वह हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां से फिर ये वाटर पहुंच जाता है लीव्स में। तो पहुंच गया, एक तो वाटर आ गया, एक तो आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, इन दोनों को ये अब मिक्स होते हैं, ठीक है, इनमें रिएक्शन होता है या इनको कंबाइन कौन करवाता है, सन लाइट, जिसमें किस एनर्जी होती है। आपने देखा होगा हमारे घरों में सोलर इन्वर्टर्स होते हैं, और सोलर इन्वर्टर जो होते हैं उनमें हम पैनल जो होते हैं वो हम छत पे लगाते हैं। वो पैनल क्या करती है, वो सूरज की जो एनर्जी है या लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और शाम को हम दूसरी एनर्जी में वो कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह ये जो लीव्स होते हैं जब धूप में होते हैं, सनलाइट में होते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट, ठीक है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उस एनर्जी से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, एक उन्हें वो कौन करता है एब्जॉर्ब, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से ही सारे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ठीक है। और ऐसे और बहुत प्लांट्स है जिनमें कि वो जो कि ग्रीन नहीं होते हैं, उनमें भी क्लोरोफिल होता है लेकिन उनमें दूसरे पिगमेंट्स होते हैं जो ज्यादा होते हैं और ग्रीन हमें नहीं दिखाई देता है, ऑल्दो उनको भी होता है ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये ट्रैप करता है सोलर एनर्जी, ठीक है, तो फिर ये मिक्स करता है इनको, ये एनर्जी जो एनर्जी है काम आती है इनको कंबाइन करने में और फूड तैयार करने में। फिर क्या करती है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ये वाटर होता है ये
एब्जॉर्ब करता है, ये रूट एब्जॉर्ब करता है, पहुंचाता है लीव्स में, वहां पर क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट को ट्रैप करता है, तो फिर बनाते हैं वहां पर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसी स्टोमेटा के थ्रू वापस आता है एनवायरमेंट या बाहर निकलता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमने पढ़ा कल पिछले क्लास में, ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये न्यूट्रंट है या इसको हम कंपोनेंट ऑफ फूड भी कहेंगे। यही एक्चुअली यही कार्बोहाइड्रेट बनता है। इस कार्बोहाइड्रेट जो ये जो बनता है कार्बन, इसको बाद में फैट्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। आपको पता होगा हम फील्ड्स में क्या लगाते हैं, हम मैन्योर भी करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स भी वहां पर उसमें ऐड करते हैं। क्यों? ताकि उनमें बहुत सारे सब्सटेंस और न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे, मिनरल्स ऐड हो जाएं, फिर ये प्लांट्स वो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स कहेंगे वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर इस कार्बोहाइड्रेट के साथ वो मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन इनके साथ मिलता है तो वहां पर बनते हैं प्रोटीन्स और वहां पर बनते हैं फैट्स वगैरह से, जिनको हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट्स इस फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस के जरिए जो प्लांट्स है ये अपना फूड बनाते हैं। सारे प्लांट्स जो कि ग्रीन होते हैं या नॉन ग्रीन, जिनमें क्लोरोफिल होता है या दूसरे पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो बाकी जो टॉपिक है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।